राजस्थान के जलोर जिले के ग्राम सुराणा में इंद्र कुमार मेघवाल की मटके के पानी को छूने की बात को लेकर एक शिक्षक ने हत्या कर दी। इसी बात को लेकर मानवाधिकार सुरक्षा संघ की टीम द्वारा पुलिस थाना टांडा बरोड़ पर महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। दोषी शिक्षक को फांसी देने की मांग मानवाधिकार सुरक्षा संघ और अनुसूचित जाति जनजाति ने राष्ट्रपति महोदय से की। पीड़ित परिवार को अविलंब 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और दोषी शिक्षक को फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस दर्ज कर तुरंत ही फांसी सजा दिलवाई जाए। मान्यवर, यह केवल एक घटना नहीं है बल्कि ऐसी हजारों घटनाएं प्रतिदिन जातिवाद के रूप में देश में विकसित होती जा रही है और अपराधी सीना तान कर पीड़ित परिवार के सामने रुतबे और राजनीतिक पकड़ और धनबल के आधार पर दोषी होते हुए भी आसानी से छूट जाता है। ऐसे अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। बरूर से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। आज आप पुलिस थाना बरूड़ पे किस संबंध में आए हैं? आज हम पुलिस थाना बरूड़ में राजस्थान में जो 8 तारीख को एक घटना हुई थी, छात्र इंद्र कुमार मेघवाल को जो एक शिक्षक द्वारा मारपीट करके उसको मार डाला गया था, उसके संबंध में आज हमने पुलिस थाना बरूड़ में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उसके पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये दिया जाए और उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट चला के फांसी की सजा दी जाए। क्या नाम लिखते हो आप? कमल कुमार गांगले, मानवाधिकार सुरक्षा संघ बरूड़। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।